देश में आदर्श आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। देश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर हटवाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि अकबरपुर, कन्नौज और इटावा लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। जालौन, गरोठा लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भोगनीपुर SDM सर्वेश कुमार सिंह, भोगनीपुर CO देवेंद्र सिंह और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पुलिस बल के साथ पुकराया कस्बे में पहुंचकर दीवारों, खंभों पर लगी होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनरों को हटवाना शुरू कर दिया है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में लगी राजनीतिक होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम जारी है। साथ ही SDM CO ने पुलिस फोर्स के साथ गश्त कर मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।